मेरे वालों बजट स्पीच के दौरान चुकले एक फाइनैशियल इंप्लीकेशन भी सगा कल मेरे को जो फाइल आई तो मैं उस फाइल की स्टडी की। सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दुष्यंत दवे बहुत नामी वकील ने, मेरे भी आइडल रहे हैं, उन्होंने वालों एक बिल साढ़े ऑफिस में रेज होया जेल डिपार्टमेंट न जिहड़ा तकरीबन 55 लाख का सगा। मैं देखिए कि कहड़ा केस सगा जिहड़ा बिल होवे, तो मैं फाइल समन की, जो मैं फाइल समन की तो मेरे पैरों हेठों जमीन निकल गई। वो फाइल सी एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दी, ते उस तो बाद मैं एक प्रिलिमिनरी अपने जो स्पैशल चीफ सैकटरी उन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी इनकुआरी की जाए। उस इनकुआरी के जो असी प्रिलिमिनरी इनकुआरी, मैं फिर दोबारा वर्ड पूरे कर प्रिलिमिनरी इनकुआरी के जो असी सारा केस स्टडी किया, एक एफ आई आर देखो 2019 लॉज होंगी है मोहाली के, उस एफ आई आर के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं। उस एफ आई आर के बेसिस से अंसारी वॉज शिफ्टिड फ्रॉम ऑन प्रोडक्शन वॉरेंट फ्रॉम यूपी टू रोपड़ जेल। मैं दसदा जी थानू सारा कुछ दस रहा, तो उन्होंने इतने रखा गया जी। उस एफ आई आर के उत्ते कोई चलान नहीं पेश किया जाता, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। मैं वकील भी हाँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस भी की है बहुत, अगर कोई जुर्म 7 साल तो घट उस 60 दिन, एंड इफ द ऑफेंस इज जिसे थोड़ी इंप्रिजनमेंट 7 साल तो वध हो सकती है 90 डेज, 90 दिन बाद डिफॉल्ट बेल हो जाती है। यानी जी अगर सरकार चलान नहीं पेश करती, पुलिस फेल्स तो डिफॉल्ट। मिस्टर मुख्तार अंसारी ने डिफॉल्ट बेल भी नहीं ली, इसका मतलब साफ सीगा कि उन्होंने विद इंटेंशन ही वॉज कैप्ट इन पंजाब रोपड़ जेल, साड़ी जेल दे विच। होर नहीं, उस दौरान यूपी दे कई कोर्टां दे वलों प्रोडक्शन वारंट आंदे गए, एक कोर्ट वलों 26 वारी प्रोडक्शन वारंट भेजा गया। एज अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, जदों एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस या दूजी स्टेट की पुलिस कि प्रोडक्शन वारंट मंगती है तो दे देना चाहिए, क्यों भी जो एक इन्ना कह सकते नामी गैंगस्टर हो नहीं दिता गया। दे हैव टू गो टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिट के पता से केस एक पास एक स्टेट इन्ने ज़्यादा परचे है, इतने को एफ आई आर जो चलान भी है नहीं, तो ऑबवियस कि ही हैज़ टू बी शिफ्टिड, पर ता भी प्रोटेक्ट किया गया। एक सीनियर एडवोकेट खड़ा कराया गया जिन्हें एक पेशी अगर तो इफेक्टिव हेयरिंग है तरीक पै जाए तो 11 लाख रुपया पंजाब की जनता दूगी, क्योंकि सारा टैक्स का पैसा पंजाब के लोग देंगे है। जे तरीक ना पवे उस दिन नंबर ना आए तो 5.5 लाख ड्राफ्टिंग, 5.5 लाख तो 55 लाख रुपया जी वो होया। तो उस तो बाद जो मेरी फाइल आया रिफ्यूज, मैं क्या जी मैं तो बिल पास नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पंजाबियों ने जिम्मेदारी दी है। मेरे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जिहड़ा हरा पेन जिहड़ा तुहानू बख्शिया गया इहदे तो फाइल करन तो पहला हमेशा सोचना कि कोई पंजाबियों का एक पैसा भी बर्बाद ना हो। तो प्रिलिमिनरी इनकुआरी करे, प्रिलिमिनरी इनकुआरी दे विच इह आया कि दो बैरकां ते जो 25-25 बंदे रोके जा सकते सी दे वर स्पैशली रेनोवेटेड, उत्थे मुख्तार अंसारी नूं रख्या गया। उस दौरान उसकी वाइफ सवेरे आती सी ते शाम तक 7-8 बजे तक नाल रहनी, ते होर भी बंदे, इट वॉज हिज विल, वो जिन्हों मर्जी बुलावे जिन्हों मर्जी वो ना मिले उदी मर्जी के अनुसार एक VVIP ट्रीटमेंट उत्थे मिलता रहा। इहदे उत्ते इन्हें कहा जी, मैं सुन रहा सी हैरान है, मैं थोनों देखो फॉर्म द कॉज ऑफ एक्शन, जो पहला कॉज ऑफ एक्शन ही है तो क्राइम बन जाता है, तो सिंस इट इनवॉल्व्स अ वेरी सीरियस थिंग। मेरे को जो फाइल आई मैं कहा जी लैट एफ आई आर बी रजिस्टर्ड एंड हैव सेंट अ फाइल टू CM साहब, CM साहब भेजती उन्होंने कोल है, क्योंकि ये तो होना चाहिए, क्योंकि वो साढ़े को 2 साल 3 महीने रहा, 2 साल 3 महीने च एक स्पैशल बैरका कौन वो को आता से जाता से सारा रिकॉर्ड, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। सर यार मैं थोड़ा दस रहा ना, मैं प्रूफ भी दस रहा, 2 साल 3 महीने ठीक है ऑन द पॉइंट ऑफ बिल। मैंने दस दिन फिर एफ आई आर की, जो एफ आई आर की उस एफ आई आर से चलान क्यों नहीं दिता कि जानी वही तो उन्होंने ये दसना चाहिए कि कहते रखिया, वट वॉज द रीजन एक गैंगस्टर तुम एक बैरका खाली करके दे रहे हो, 2 स्पैशल दिते गए है। अच्छा उस तो बाद जी वो जो हम फाइल उत्थे पई है, इस तो अलावा मैं होर स्टडी किया जी, जो मेरे को जानकारी है जी ये सारा इनवे मैं कह रहा इन्वेस्टिगेशन इज नीडिड। यूपी पुलिस की इंटेलीजेंस की इनफॉर्मेशन है, IB की इनफॉर्मेशन है, दैट हिज वाइफ वॉज स्टेइंग ओवर देयर एंड वो रोपड़ रही सी, एक होर लैके उत्थों सारा नैक्सस चलिया। हूँ 2 साल 3 महीने किनू किनू कॉल किया, कौन कौन मिलया, कौन कौन उस नैक्सस है, किड़े किड़े मंत्री कौड़े लीडर है, किड़े लेट इट बी ओपन ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बट दसो जो थोड़े को फाइल से चीज़ा आन, एज अ मिनिस्टर मेरी ड्यूटी सी पंजाबियों दसना,
ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਭੇਜਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਐਫਆਈਆਰ ਬੀ ਲੌਜਡ ਐਂਡ ਇਟ ਨੀਡਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆਣਗੀਆਂ ਕਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਇਫ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਈ ਐਮ ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਆਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰ ਸੌਰੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਮਰਡਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਸਕਸ ਐਮਐਚਏ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਐਮਐਚਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਆਇਆ 100 ਦਿਨ ਆਇਆ 1600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ 1600 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 2900 ਮੇਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1600 ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਟੋਟਲੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਉਹ ਜੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਈਵਨ ਜੈਮਰ ਵੀ ਜੈਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਐਫ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਈਐਮਐਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਸਯੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਨੀਪਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਨੀਪਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਸੇਸ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਆਈਬੀ ਵਾਸ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਵਾਸ ਸਟੇਇੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆਨ ਅਸਕੌਂਡਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮੁਕਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਮੁਕਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਰੂਪੜ ਇਹ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਦਾ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਾਉਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਸੀ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਨਮੇਟ ਹੈ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਵਾਲਾ ਉਹਨ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 32 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਆਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ
मैं कह रहा जी वह भी कर लैन दे आर ओपन टू डू इट बट मैं कह रहा मैनू अपनी पुलिस से पूरा यकीन है अपने ऑफिसर्स से यकीन है देखो मैं अज किसी का नाम ले लवा वो चंगा नहीं लगता फिर वो एक ए लगता कि शायद पोलीटिकल वैनाडेटा है बट दिस फाइल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये फाइनैशियल ये तो कला बिल है तुम समझो एक वकील का 2 साल 3 महीने जेल का खर्चे की कोई कैलकुलेशन आप लाई नहीं सकते जी वो आप लाई नहीं सकते मैं किमें लाव जी तो इस करके आ जो मैं इसी गल का दुख हों जो पढ़ता मैं वाइट पेपर जो पढ़िया मेरे पैर हेटों जमीन निकल गई 3 लाख करोड़ का कर्जा होने तो बाद भी पंजाब बेसिक कर्जा होने का कोई इशू नहीं सानू मैनू कोई दुख ना होंगे पर साढ़े को अमेनिटीज नहीं है वी डोंट हैव हॉस्पिटल्स वी डोंट हैव स्कूल्स वी डोंट हैव टीचर्स सो दैट वॉज एन इशू एंड वी वर स्पेंडिंग मनी मैं कहना जी पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट तो मैं बड़े आंकड़िया समेत तो देखो हर साल की भर्ती के आंकड़े दिते हैं तो दसिया कि दिस स्कीम इज वेरी डेंजरस ऑफ अग्निपथ और दिस केस मैं थानू दस दिंदा जी अग्निपथ ते मैं आंकड़े दसे आ पहली गल तो मैं कहा गया कि अग्निपथ 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 जिहड़ी अग्निपथ जिहड़ी स्कीम है उन्हूं ऐ पेश किया जा रहा कि जिवें सब तो वड्डी हुण तक दी इंपलॉयमेंट जनरेशन होवे इह इंपलॉयमेंट जनरेशन नहीं इंपलॉयमेंट डिस्ट्रक्शन है देश की सब तो वड्डी नौकरी खत्म की जा रही है कोई नौकरी दी नहीं जा रही जी अज साडा देश दुनिया का सब तो यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है साढ़े को 50% ऑफ द पॉपुलेशन 50% साड़ी आबादी 25 साल तो हेठ है एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 29 उस दौरान मैं कुछ आंकड़े जड़े है 2015-16 के विच इन द ईयर 15-16 71,804 रिक्रूटमेंट हुई 2016-17 च 52,447 52,000 रिक्रूटमेंट हुई 2017-18 च 50,000 रिक्रूटमेंट हुई 2018-19 च 53,000 रिक्रूटमेंट हुई 2019-20 के बीच 80,000 रिक्रूटमेंट हुई है 2020-21 च 0 2021-22 च 0 इस वक्त तकरीबन ए दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट ऑन 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2021 नूं कहिंदे आ जी तकरीबन 1.25 लाख 1.25 लाख असामिया साड़ी आर्म फोर्सिस खाली पईआं 8-9 महीने हो गया जी तकरीबन 2 लाख पोस्ट खाली पईआं 2 लाख नौजवानों नूं अज रोज़गार मिल सकदा सी वह 2 सालों तो तैयारी कर रहे थे टैसट हो गए एडमिट कार्ड आए सारा कुछ आया हर बारी कैंसल कर दिता जाता है असली अग्निवीर तो वह ने जो 2 साल ट्रेन करते रहे उन्होंने कंपनसेट करो 10-10 लाख रुपया दो तुम कहता जी उन्होंने एज नहीं इट्स नॉट अबाउट द एज रिलैक्सेशन उस देवर सिलेक्टेड देवर सिलेक्टेड एंड जिदे लिए उन्हें फार्म भरे से 15 साल वाली नौकरी सी वो ये जी 2 लाख बंदा भर्ती होना सी 15 साल वाली नौकरी सी एक फौजी जाके 15 साल काम करता उस तो बाद तनखाह मिलती है उन्हें पेंशन मिलती इज्जत मिलती सम्मान मिलता वो कंटीन के उत्तों हर तरीके की ग्रॉसरी लै सकता अगर उन्हें कोई ऑटोमोबाइल लेना वो सस्ता मिलता अगर वो बीमार हो परिवार का कोई मैंबर बीमार हो इलाज फ्री होंगे तुम कि नौकरी खत्म कर दी आज 4 साल सेवा करने तो बाद करेगा साढ़े लिए भी शर्म वाली एज अ इंडियन मेरे लिए शर्म वाली गल होगी असं जो मॉलों से जावे या असं कोई मूवी देख जावे बाहर खड़ के सल्यूट मारूगा इट्स अ शेम ऑलरेडी पेट्रोल डीजल बहुत महंगा जी थोड़े को पेंशन दे पेंदे पैसे नहीं रुपया होर ला दो हर हिंदुस्तानी दे दूगा देखो जी मैं थानू दसदा देखो जी मैं थानू दसदा देखो देखो सिंपल जी गल दीज आर वेरी सीरीयस इशूज एंड ऑलसो ये होर भी देश की नैशनल सिक्योरिटी का मसला है इट्स हाई टाइम असं अपना फर्ज निभा दिता दे शुड रियलाइज इट एंड दे शुड टेक इट थैंक